बख्तियारपुर के 5 प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों जिनका आदमकद प्रतिमा बख्तियारपुर के सरकारी संस्थानों में स्थापित किया गया है। नंबर 1, पंडित सिलभद्रया जी। इनका आदमकद प्रतिमा बख्तियारपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के परिसर में स्थापित किया गया है। नंबर 2, कविराज रामलखन सिंह। इनका आदमकद प्रतिमा बख्तियारपुर के डाक बंगला परिसर में स्थापित किया गया है। नंबर 3 पर है शहीद मोगल सिंह। इनका आदमकद प्रतिमा बख्तियारपुर के प्रखंड कार्यालय परिसर में स्थापित किया गया है। चौथे नंबर पर है नाथुन सिंह यादव। इनका आदमकद प्रतिमा बख्तियारपुर के न्यू बाईपास रोड राघोपुर में स्थापित किया गया है। पांचवें नंबर पर है डूमर सिंह। इनका आदमकद प्रतिमा बख्तियारपुर के श्री गणेश उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परिसर में स्थापित किया गया है। आज मैं आपको बख्तियारपुर के 5 प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों से परिचय करवाने जा रहा हूं, जिन्होंने भारत की आज़ादी की लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ आवाज़ उठाया था, जिनका आदमकद प्रतिमा बख्तियारपुर के सरकारी संस्थानों में स्थापित किया गया है। नंबर 1, पंडित सिलभद्रया जी। इनका जन्म 2 मार्च 1916 को बख्तियारपुर गाँव में हुआ था। इन्होंने मात्र 12 साल की आयु में पढ़ाई के दौरान 1928 में कलकत्ता के कांग्रेस में शामिल हो गए थे। विद्यालय छोड़ने के बाद नमक सत्याग्रह के समय एक बार फिर से पढ़ने के लिए गए और 16 साल की आयु में 1932 ईस्वी में स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए। इस दौरान वे किसान नेता स्वामी सहजानंद और सुभाष चंद्र बोस के संपर्क में आए और अंग्रेजों के खिलाफ आवाज़ उठाया। ये गांधी जी के विचारधारा से काफ़ी प्रभावित थे। पंडित सिलभद्रया जी ने देश की आज़ादी की लड़ाई में बढ़ चढ़ कर भाग लिया, जिसके कारण उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। अंग्रेजी हुकूमत ने उन्हें 1930, 1932, 1933 और 1940 ईस्वी में गिरफ्तार किया था। द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान 1941 में वे भूमिगत हो गए थे, लेकिन 1945 में उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद उन्हें द्वितीय विश्वयुद्ध की समाप्ति के बाद छोड़ा गया। अब हम इनके राजनीतिक सफर के बारे में बात करते हैं। पंडित सिलभद्रया जी को 1937 में बिहार विधानसभा का सदस्य बनाया गया था। 1940 में अखिल भारतीय किसान सभा के महामंत्री बनाए गए और देश की आज़ादी के बाद 1957 एवं 1964 में राज्यसभा के सदस्य बने। साथ ही स्वतंत्रता सेनानियों की समस्याओं के समाधान के लिए एक संगठन बनाया गया था, जिसके अध्यक्ष भी थे। इसके लिए वे अंत तक काम करते रहे। इनका आदमकद प्रतिमा बख्तियारपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के परिसर में स्थापित किया गया है। नंबर 2, कविराज रामलखन सिंह। इनका जन्म 1910 में हरनौत के कल्याण बिघा गांव में हुआ था। ये बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पिता हैं। इन्हें बिहार के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी के रूप में याद किया जाता है। इन्होंने 19 वर्ष की आयु में साइमन कमीशन के भारत आने के देशव्यापी विरोध में 1929 ईस्वी में भाग लिया था, जिसके कारण उन्हें लगभग 3 माह पटना कैंप जेल में रखा गया। 1930 में नमक सत्याग्रह आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्हें लगभग 4 माह पटना सिटी कैंप जेल में रखा गया। ये आयुर्वेद विभाग के चिकित्सक थे और बख्तियारपुर में रहकर लोगों का इलाज करते थे। इनका आदमकद प्रतिमा बख्तियारपुर के डाक बंगला परिसर में स्थापित किया गया है। नंबर 3 पर हैं शहीद मोगल सिंह। इनका जन्म बख्तियारपुर के रावाइच गाँव में हुआ था। ये बचपन से ही साहसी थे। इनके बहादुरी के किस्से आज भी इनके गाँव में सुनाए जाते हैं। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के देशभक्तों की टोली के प्रमुख थे। अंग्रेजों द्वारा बख्तियारपुर थाना में रवाइच गांव को लूटने का योजना बनाया जा रहा था, जिसका पता लगते ही मोगल सिंह ने बख्तियारपुर थाना के पास आग जलाकर अंग्रेजों के खिलाफ प्रतिरोध व्यक्त किया था, जिससे गुस्साए अंग्रेजों ने उनका पीछा कर उन्हें गोलियों से भूंज दिया था। उसके बाद 22 अगस्त 1942 को वे अपने घर के पास शहीद हो गए। इनका आदमकद प्रतिमा बख्तियारपुर के प्रखंड कार्यालय परिसर में स्थापित किया गया है। चौथे नंबर पर हैं नाथुन सिंह यादव। इनका जन्म बख्तियारपुर के घोसवरी गांव में हुआ था। वे बख्तियारपुर के जमीन से जुड़े अग्रणी स्वतंत्रता सेनानी थे। अगस्त क्रांति के दौरान 9 अगस्त 1942 को उन्होंने बख्तियारपुर थाना में झंडा फहराने के पश्चात तत्कालीन थाना प्रभारी द्वारा झंडा का अपमान करने पर नाथुन सिंह ने थाना प्रभारी को ललकारा, जिससे नाराज थाना प्रभारी ने नाथुन सिंह को सीने में गोली मार दिया, जिसके कारण 22 अगस्त 1942 को वे शहीद हो गए।
इनका आदमकद प्रतिमा बख्तियारपुर के न्यू बाईपास रोड राघोपुर में स्थापित किया गया है। पांचवें नंबर पर हैं डूमर सिंह। इनका जन्म बख्तियारपुर के करनौती गांव में हुआ था। आज़ादी की लड़ाई में इनका महत्वपूर्ण योगदान था, जिसके कारण वे कई बार जेल भी गए। 1932 एवं 1936 में वे 10 माह तक जेल में रहे। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी, तब बख्तियारपुर में क्रांति का बिगुल फूकने वाले वे प्रमुख थे, जिसके कारण अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। जेल में अंग्रेजों द्वारा उन्हें पेट में बूट से मारा गया था, जिसके कारण लीवर खराब होने से वे शहीद हो गए थे। इनका आदमकद प्रतिमा बख्तियारपुर के श्री गणेश उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परिसर में स्थापित किया गया है।